हेलो गाइस, वेलकम टू जेजे ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स और मैं हूं जितेश। सो गाइस, आज फिर आया चंदन भैया के पास पाल मोटर्स पे। तो आज बताओ भैया, हम कौन सी गाड़ी रेडी कर रहे हैं? आज हम भैया न्यू स्कॉर्पियो रेडी कर रहे हैं। तो भैया, उसके अंदर हम क्या क्या काम कर रहे हैं, एक बात बताओ। आज हम लोग उसमें बेसिक ऑडियो अपग्रेड कर रहे हैं, प्लस आगे एलईडी हेडलैम्प्स लग रहे हैं और छोटी मोटी आइटम, मतलब एसेसरीज के साथ जो मेन आज अपग्रेड हो रहा है वो ऑडियो सेटअप अपग्रेड हो रहा है। तो भैया, हाई एंड कर रहे हैं या बेसिक कर रहे हैं बता दो ना, ज्यादा हाई एंड है ना ज्यादा बेसिक है? तो सेगमेंट कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं? किकर। किकर का तो सारा कुछ कंप्लीट सेटअप किकर का होने वाला है। तो एक बार भी आइडिया बता दो क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है। हम लोग इसमें किकर के कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं, सीएस सीरीज के, और एक को एक्सेल है, और किकर के साउंड मेट का 4 चैनल है, और जो भी जो सबवूफर ऐड कर रहे हैं वो जी बिल्कुल। तो गाइस, मतलब कह सकते हैं ज्यादा हाई एंड सेटअप नहीं है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को पूरे डीडी का एक हाई एंड सेटअप दिखाया था, तो आप लोगों की डिमांड थी कि थोड़ा एक बेसिक दिखा दो। तो बेसिकली आज की वीडियो में गाइस आपको स्कॉर्पियो की कंप्लीट एसेसरीज प्लस जो उसके अंदर ऑडियो सेटअप अपग्रेड हो रहा है सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, हेयर वी हैव 2020 स्कॉर्पियो, और जो गाइज अपना बिल्कुल नया वाला स्कॉर्पियो का मॉडल आ रहा है, अपना वही वेरिएंट है। तो गाइज अगर मॉडल की बात करूँ, वेरिएंट की बात करूँ, तो गाइज दिस इज S5 वेरिएंट। तो गाड़ी के अंदर गाइज बहुत सारे कस्टमाइजेशन और बहुत सारे मॉड्स अपने इसके अंदर हो रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है अपना बिल्कुल ये मतलब नीचे वाला मॉडल, अपना हाई एंड मॉडल नहीं है, तो उसके अंदर फॉग लैंप्स वगैरह नहीं आते। तो उसके अंदर गाइज पूरे अपने कंप्लीट फॉग लैंप्स अपग्रेड हो रहे हैं, और जो गाइज फॉग लैंप्स अपग्रेड हो रहे हैं वो अपने लुमैक्स ब्रांड के हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर गाइज इसके प्रॉपर फिटिंग के साथ आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पूरे क्लैंप वगैरह, जो सारे हुक वगैरह वो सब इंस्टॉल कर दिए, वायरिंग वगैरह का प्रोसेस अभी चल रहा है। बाकी कंप्लीट गाइज इसमें एलईडी सेटअप इंस्टॉल होने वाला है। जैसे आपको पता है गाइज इसके अंदर अपना हेलोजन आता है, तो इसके अंदर अभी कंप्लीट एलईडी इंस्टॉल होगी, और जो एलईडी इंस्टॉल होगी गाइज अपनी माई टीवीएस ब्रांड की इंस्टॉल होगी। आप पूरा देख सकते हो 1 ईयर वारंटी के साथ। रिस्पॉन्स तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा भाई, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कैसा नहीं, बट एक बार आप पूरा रॉ लुक देख सकते हो। फॉग लैंप्स में भी एलईडी सेटअप हो रहा है गाइज, अपनी हेडलाइट में भी पूरा एलईडी सेटअप हो रहा है। तो जैसे जाके काम होता है ये वाला कंप्लीट होता है, फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ कि कैसा कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो गाइस गाड़ी के एक बार साइड प्रोफाइल में चलते हैं, और साइड प्रोफाइल के अंदर जो जो इसके अंदर चेंज हुए हैं सब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे गाइस, इसके अंदर अपने रूफ रिल्स इंस्टॉल हुए हैं, आप पूरे देख सकते हो अपने मैट फिनिश के अंदर रूफ रिल्स हैं। तो आपको जो गाइस ये अपने टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलता है, तो आपको अभी बेस वेरिएंट के अंदर भी ये इंस्टॉल हो चुका है। तो आप एक बार गाड़ी की लुक देख सकते हो भाई, इसे कितनी ज़्यादा एनहेंस हो रही है, और मतलब ऐसा लगता नहीं है कि आपका बेस वेरिएंट है। तो गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल हुई है। साथ ही साथ रूफ रिल्स के साथ में यहाँ पे देखो गाइस इसके अंदर अपना पूरा स्पॉइलर इंस्टॉल हुआ है, और ये भी अपना जो गाड़ी का बॉडी कलर है ब्लैक, उसी से पूरे कलर में मैच होता हुआ है। पूरी आप इसके लुक देख सकते हो भाई, कितनी बढ़िया आ रही है ये। पूरा आप देखो पिलर पूरा चेक कर सकते हो, पूरा बैक में पिलर के साथ पूरे लुक, अपना स्पॉइलर और रूफ रिल्स के लुक काफ़ी बढ़िया आ रही है। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे से एक प्रॉपर लुक दिखाऊं, तो आप देख सकते हो दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा आ रहा है। प्लस गाइस गाड़ी का पूरा अभी म्यूजिक सिस्टम भी अपग्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे भी पूरा म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। तो भैया हम कौन सा म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं इसके अंदर? बोल्ट वन का भी, मतलब एंड्रॉइड सीरो लगा रहे हैं। हाँ जी, सो गाइस आप ये देख सकते हो अपना ये वाला एंड्रॉइड सीरो लगा रहे हैं, बोल्ट वन का। और तो भैया इसकी स्पेक्स क्या होती है अपनी? 2 GB रैम है भैया, 16 GB इंटरनेट इंटरनल है। तो चलने में कैसा है इसका रिस्पॉन्स? तो भाई अभी ये इंस्टॉल हो रहा है प्रॉपर, इसकी वायरिंग वगैरह हो रही है, तो जब ये भी इंस्टॉल हो जाएगा फिर मैं आपको इसका पूरा आउटपुट वगैरह सुना दूंगा। प्लस अभी जैसे मैं आपको म्यूजिक सिस्टम भी अपग्रेड हो रहा है, तो उसके अंदर पूरी डैम्पिंग वगैरह भी इंस्टॉल हुई है। तो भैया अपनी डैम्पिंग कौन सी इंस्टॉल करी हमने इसके अंदर? आर्टेक्स की, तो रोज गोल्ड डैम्पिंग। तो कैसा है इसका रिस्पॉन्स भैया? मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स है। और इसकी भैया वारंटी गारंटी कुछ आती है? मतलब ये भी मेल्ट नहीं होती हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं हो, तो ये भी गाइस एक काफी एक अच्छी चीज है। प्लस तो डैम्पिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो भैया इसमें जो म्यूजिक स्पेक्स हम इसके अंदर लगा रहे हैं, कंपोनेंट्स वगैरह कौन से लगा रहे हैं वो भी गाइड कर दो। हम लोग इसमें फ्रंट में किकर के सीएस सीरीज लगा रहे हैं कंपोनेंट्स, और रियर में किकर की ही डीएससी उसके को एक्सेल लगा रहे हैं। और तो भैया एम्प कौन सा लगा रहे हैं जो पावर करेगा? किकर के ही साउंड मेट इंडिया के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली डिजाइन करा है, वो साउंड मेट सीरीज लगा। मतलब बेसिकली आज कह सकते हैं कि ब्रांडेड के अंदर हाई एंड नहीं हो रहा, बेसिक हो रहा है, बट रिस्पॉन्स वाइज काफी अच्छा है। तो बेस में कुछ हम सबवूफर वगैरह भी ऐड कर रहे हैं, एक JBL का 1300 वॉट्स का सबवूफर ऐड कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल बेसिक सेटअप है, बट आवाज काफी बढ़िया आएगी। तो भाई कंप्लीट अपना किकर का सेटअप इंस्टॉल हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो रहे हैं, और बैक के अंदर गाइस अपने कोएक्सियल इंस्टॉल हो रहे हैं। तो जैसे आपको लोगों को पता होगा स्कॉर्पियो गाइस अपनी इधर वाले पार्ट में बैक डोर्स में नहीं होती, अपने जो पीछे बूट होता है उस जगह पे इंस्टॉल होती है। अभी आगे डैम्पिंग अपनी हो चुकी है, पीछे के डैम्पिंग का काम भाई अंडर प्रोसेस है। तो ये अपने पूरे डुअल लेयर में डैम्पिंग होती है, आप देख सकते हो बैक में भी डैम्पिंग हो रही है, फ्रंट में भी डैम्पिंग हो रही है। तो भैया इसमें कितनी शीट लग जाती है अपनी तरीके से करने में? तीन शीट लग जाती है अपनी। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे बूट कितना बड़ा है इसका, तो प्रॉपर मतलब तीन शीट लग जाती है अपनी बैक में। यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है बैक वाला पार्ट, अपना ये वाला पार्ट भी डैम्प हो रहा है, और सिंगल सिंगल शीट में गाइस डैम्पिंग हो रही है, ऐसे नहीं कुछ कट वगैरह हो रहा है। तो ये भी काफी एक बढ़िया है। अगर आप वूफर देखना चाहो तो भाई अपना वूफर ये रहा पूरा, जो अपना JBL का 1300 वॉट का है कस्टम, अपना जो बॉक्स है उसके साथ। और अगर आपको कोएक्सियल देखें तो गाइस अपना पूरा कोएक्सियल ये देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको SD सीरीज, और ये प्रॉपर अपने गाइस यहीं पे सेट होंगे। तो अभी जब सेट हो जाएंगे फिर आपको एक बार लुक भी दिखा दूंगा, आउटपुट तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ही, और एक बार फ्रंट में भी दिखा देता हूँ आपको। फ्रंट में आप पूरा रिस्पॉन्स देख सकते हो अपने गाइस, कंपोनेंट की प्लेसमेंट यहाँ पे हो रही है, तो प्रॉपर रिंग वगैरह लग रही है। तो भैया हम ट्विटर कहाँ पे लगाएंगे अपने? यहाँ पर मतलब पिलर ए पे लगाएंगे। तो गाइस आप यहाँ पे देख लो, बाकी अगर आपको कंपोनेंट देखना हो जो अपना कंपोनेंट इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है, तो अपना गाइस ये वाला कंपोनेंट इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे आपको सीरीज दिख रही होगी गाइस, CS सीरीज है इसके अंदर।
तो एक बार ये भी इंस्टॉल होने दो, फिर जब ये पूरा सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा फिर मैं आपको फाइनल इसका आउटपुट वगैरह सुना दूँ। सो गाइज मीनवाइल अपना इसके अंदर पूरा म्यूजिक सिस्टम का काम हो रहा है, तो एक बार मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो इस मॉडल के अंदर इंस्टॉल हुई है। तो जैसे कि आपको लोग पता है गाइज अपना जो S5 वेरिएंट है इसके अंदर अपनी सेंटर लॉकिंग तक नहीं आती है, तो इसके अंदर गाइज अपनी कंप्लीट सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल हुई है अपनी RD ब्रांड की। अभी आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा वर्क करके दिखा देता हूँ। देखो लॉक अनलॉक अभी सब कुछ वैसे खुला हुआ है तो प्रॉपर इतना काम नहीं करेगी, बट हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। देखो सर अनलॉक अपना गाइज लॉक बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, तो ये भी गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हो। तो RD ब्रांड की गाइज ये भी ब्रांडेड है, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, मतलब सेंटर लॉकिंग में RD का काफ़ी अच्छा नाम है। तो ये भी इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है और रिमोट वगैरह आप लोग देख सकते हो। तो ये बाकी गाइज फ्लिप की के अंदर अपना कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं है, बिल्कुल अपनी स्टॉक है। तो एक बार ये म्यूजिक सिस्टम का काम होने दो, फिर इसका यूजर इंटरफेस और पूरा आउटपुट वगैरह मैं आपको सुनाता हूँ। तो गाइज एक बारी मैं आपको एम्पलीफायर भी दिखा देता हूँ, अपना जो किकर है एम्पलीफायर है ये रहा। और भैया इसकी प्लेसमेंट का होगी अपनी भैया यहाँ पर होगी है, मतलब ये सीट के नीचे होगी जी। तो गाइज इसके प्रॉपर इसकी सीट के अंदर होगी, मतलब यहाँ पे नीचे, और कोई भी वायरिंग वगैरह दिखेगी सब कुछ छुप जाएगा। तो और भैया वायरिंग कौन सी यूज करी हमने इसके अंदर भैया JBL की। गेज कितनी है 8 गेज की। तो गाइज ये मैं आपको फ्रंट से भी दिखा दूंगा पूरे इसकी वायरिंग वगैरह, प्लस वूफर का भी काम और जो अपने पीछे कंपोनेंट्स का काम है वो भी चल रहा है, आपको आगे भी दिखा देता हूँ एक बारी मैं। अभी गाइस डैम्पिंग का काम फाइनली आगे कंप्लीट हो चुका है, जस्ट अपनी जो फिटिंग है कंपोनेंट्स की वो हो रही है। मीनवाइल अपने गाइस फॉग लैम्प का काम सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको एक बार फॉग लैम्प का जो स्विच है गाइस वो दिखा देता हूँ। तो गाइस ये अपना फॉग लैम्प के अंदर स्विच ऑन मतलब लगा है यहाँ पे, तो मैं जैसे ही ऑन करता हूँ आपको दिख रहा होगा भाई, ये देखो ऑफ ऑन। तो यहाँ पे गाइस इसकी पूरी प्लेसमेंट हुई है और जो हेडलाइट वगैरह गाइस वो भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आप रिस्पॉन्स देख सकते हो, देखो लो बीम गाइस अभी ऑन है अपनी है, और ये अपनी हाई बीम है देखो। और बंद करके अगर मैं डिपर मारूं तो गाइस कुछ ऐसा रिस्पांस आ रहा है, तो एक बार आपको सामने से भी दिखा दूंगा। प्लस फॉग लैम्प का आप स्विच देख लो भाई, काफ़ी एक बढ़िया स्विच है, बढ़िया प्लेसमेंट है इसकी, बिल्कुल अपना OEM टाइप में है। और आप फ्रंट में देख सकते हो अपनी गाइस LED अपनी पूरी ऑन हो चुकी है, अपनी लो बीम हाई बीम और फॉग लैम्प कंप्लीट अपना वाइट सेटअप हो चुका है ये देखो आप। और अगर आपको एक आउटपुट वाइज आइडिया लेना तो आप ले सकते हो, अभी इतना ब्राइट है फिर भी भाई कितने बढ़िया आउटपुट आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक आउटपुट दिखा देता हूँ, ये देखो कितना बढ़िया इसके अंदर आउटपुट है। और ग्रिल वगैरह प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है, ये देखो फ्रंट से गाइज अपनी पूरी लुक। और एक बार आपको फ्रंट से वायरिंग भी दिखा देता हूँ गाइज, जो अपनी पूरी जो एम्पलीफायर की वायरिंग डली थी, तो आप ये देख सकते हो गाइज ये अपनी एम्पलीफायर की पूरी वायरिंग, ये देखो बिल्कुल प्रॉपर सेट कर दी, और यहाँ पे ऐसा कुछ क्लमजी सा नहीं लग रहा, ये देखो प्रॉपर इसके अंदर ये फिटिंग हो चुकी है। बस अभी मेन जो काम रह गया भाई आपको आउटपुट सुनाना, और पूरा जो कैमरे वगैरह स्टीरियो वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है उसका पूरा आउटपुट सुनाना। यहाँ पे स्टीरियो गाइज अपना ऑन हो चुका है, प्लस अभी एक बार जब फाइनल काम होगा जब मैं आपको पूरे स्टीरियो का एक यूज़र इंटरफेस और पूरा आउटपुट सुना दूंगा। कैमरे की प्लेसमेंट देखने को गाइज अपनी यारी अपना ब्लाउ पंक कंपनी का कैमरा इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे आप पूरी प्लेसमेंट देख लो। अभी प्रॉपर फिट होगा, अभी जस्ट एक काम चल रहा है इसका भी, प्रॉपर फिटिंग आएगी इसकी, तो वो भी जब हो जाएगा फिर मैं आपको पूरा आउटपुट और कैमरे वगैरह का रिस्पॉन्स दिखा दूँ। सो गाइज अब हमारा गाड़ी का काम सारा कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको मैट दिखा देता हूँ जो उसके अंदर इंस्टॉल हुआ है, अपने 70 मैट इंस्टॉल हुए हैं। एक बारी मैं वहाँ से भी दिखा देता हूँ अपना भाई, एंड्रॉइड सीटर भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी सेटिंग दिखा देता हूँ जो भी इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है, अपने का जो कॉम्पोनेंट्स है उसके ट्यूटर की प्लेसमेंट यहाँ पर हुई है, कॉम्पोनेंट्स आप लोगों ने देख ही लिया था। पीछे से भी आपको एक बार मैट्स वगैरह दिखा देता हूँ, और आपको एक बार एम्पलीफायर भी दिखा देता हूँ। तो भैया एक बार एम्पलीफायर भी दिखाना हमने कहाँ सेट करा है इसका। तो गाइस जैसे को बिल्कुल सीट के नीचे प्रॉपर सेट हुआ है प्रॉपर फिटिंग के साथ, कोई इसके अंदर इशू नहीं आएगा। और जैसे ही सीट दिखा देता हूँ आपको, अभी पूरा एक बार खुल रहा है, तो भाई देख लो ये अपना गाइस जो एम्पलीफायर की प्लेसमेंट है यहाँ पे हुई है। और वायरिंग वगैरह आप देख सकते हो भाई, कुछ भी वायरिंग वगैरह नहीं दिख रही अपना, कर दो भैया से बंद। और अपना गाइस वूफर की जो प्लेसमेंट है अपनी यहाँ पर हुई है, एक बार आपको मैट के भी लुक दिखा देता हूँ, ये देखो पूरी। और पीछे से भी दिखा देता हूँ उसका पूरा सेटअप, ये देख लो भाई पीछे से भी देख लो भाई, पूरा इसके अंदर मैट वगैरह इंस्टॉल हो चुका है, काफ़ी बढ़िया मैट लग रहा है। और जो वूफर है गाइज अपना एरा JBL का 1300 वॉट का गाइज इसके अंदर वूफर डला है। और अगर आपको किकर के गाइज जो अपने कोएक्सियल डले थे उसकी पूरी सेटिंग वगैरह देखनी, तो अपनी आप सेटिंग यहाँ पे देख लो, ये भी प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइज मैट और जो ये काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, बाकी आउटपुट वाइज भी देखते हैं कैसा इसका आउटपुट है, तो इसे कर देते हैं बंद। और आपको यहाँ से भी एक बार मैं मैट वगैरह दिखा देता हूँ, प्लस जो इसके अंदर गाइज LED लाइटिंग इंस्टॉल हुई है वो भी आप देख रहे हो ऑन है, देख लो भाई। तो एक बार गाइज मैं आपको यहाँ पे पूरा इसका आउटपुट वगैरह भी सुना देता हूँ। हमने अपना NCS का म्यूजिक ऑन कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ प्ले और इसका पूरा आउटपुट सुनना।
इसका आउटपुट पूरा सुन लिया होगा भाई, जो अपने किकर के कंपोनेंट्स है, वोकल बहुत ही क्लियर है, काफी अच्छी एक वोकल है। अगर आपको भाई कहीं हाई एंड पे नहीं जाना और एक अच्छा सेटअप चाहिए तो आप किकर का लगवा सकते हो, काफी बढ़िया सेटअप है और पूरा अपने आउटपुट वगैरह सुन लिया है। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई साउंड वगैरह कैसी आ रही है। और जो अपना JBL का गाइस सबवूफर है वो भी काफी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है और काफी बढ़िया साउंड आ रही है। तो भाई ये तो बात हो गई जो आज गाड़ी के अंदर सारा कुछ इंस्टॉल हुआ है। तो अब बात करते हैं कि भाई इसके अंदर आज पूरे म्यूजिक सिस्टम है और टोटल जो एसेसरीज लगी उसके अंदर कितने पैसे। लोगों ने स्कॉर्पियो के अंदर जो भी काम होगा आप लोगों ने देख लिया होगा, हमारे चंदन भैया ने पूरी गाड़ी रेडी करी है और हमारे इन भैया की गाड़ी थी। भैया आपका नाम क्या कर बता दो? सुनील वर्मा। तो सुनील भैया आप कहाँ से आए हो? शाहदरा। तो कितना टाइम हो गया भैया आपको गाड़ी में काम कर रहा है? तो कितना टाइम लग गया? 3 घंटे करीब अप्रॉक्स हो गया है। तो काम ओके हो गया भैया? काम बढ़िया हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो भैया अभी तक जो काम आज आपने करवाया सबसे बेस्ट आपको क्या लगा ये बता दो। सारा ही बढ़िया था वैसे, इनका है सारा बढ़िया काम, कमी तो है नहीं किसी चीज में। चलो भाई बिल्कुल रियल भी है ना, आपको रिव्यू दे दिया। तो चंदन भी एक बात बताओ, गाड़ी के अंदर जो भी आज काम हुआ, हम आप बात करते हैं प्राइसिंग की, तो उसके अंदर जो ऑडियो सेटअप लगा उसकी क्या प्राइसिंग है बता दो। ये ऑडियो से जो हमारा सेटअप है अप्रॉक्सीमेट 35,000 का, और अपना बाकी एक्सेसरीज हुई है वो भी अप्रॉक्सीमेट 32,000 से 35,000 के बीच। मतलब अप्रॉक्सीमेट बात करो 70,000 में हमारा ये वाला म्यूजिक सिस्टम किकर का प्लस जो एक्सेसरी सारी इंस्टॉल हुई है वो सारा काम हो चुका है। तो ये जो हमने इसके अंदर LEDs और जो ये सब कंपोनेंट्स वगैरह लगाए इनकी गारंटी वारंटी का बता दो। सबकी 1 ईयर। सबकी 1 ईयर है। कोई और रिप्लेसमेंट है या रिपेयर है? रिप्लेसमेंट। मतलब LED की अगर कोई भी खराब हो तो सीधा नहीं लगेगी जी। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आउटपुट कैसा आ रहा है साउंड का? बढ़िया, मजा आ गया। मतलब जैसा कुछ इधर ऐसा मिल गया तो बढ़िया ही है बल्कि। चलो बहुत अच्छी बात है, भैया ने बिल्कुल एक रियल रिव्यू दे दिया। तो चंदन भैया अगर किसी को आना है तो अपॉइंटमेंट बेसिस आने कैसा है अगर बता दो। अगर कॉल करके आए तो ज्यादा बेटर होगा। तो भाई कॉल करके आ जाए, कोरोना के टाइम पे आप लोगों को पता है ज्यादा गाड़ियों की भीड़ होगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो भैया को कॉन्टैक्ट करके आना, यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरा नंबर दे दूंगा, आप भैया को कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। आई होप मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता सब मैंने आप लोगों को दे दिया। प्लस अगर आपको इससे भी अगर कम बजट में म्यूजिक सिस्टम लगाना होगी वो भी हो जाए, मतलब जो अपना बिल्कुल बेसिक JBL वगैरह का जी। और इससे हाई एंड तो हमने दिखाया था भाई पूरा स्विफ्ट का, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखते भाई जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दूंगा। स्विफ्ट के अंदर अप्रॉक्स 1 लाख का सेटअप लगा था कंप्लीट DD का, तो आउटपुट आप लोग सुन लेना। कर रहे हैं इस वीडियो को, यही है। थैंक यू।